जोहित भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली कि आप कार्टून्स का इंप्रेशन बहुत अच्छा करते हैं, तो आज किस पॉलिटिशियन की नकल उतार कर तो मैंने सुना है नहीं, ये ना हो पाए, बहुत कमेंट आएंगे आप नहीं करते, तो ये नहीं करते, बहुत कमेंट आएंगे। मैं ये कह रहा था कार्टून्स बचपन से देख रही हैं, मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वुडी वुडपेकर, ये बच्चे नहीं जानते होंगे। हाँ, मैं उस तरह हंसता था बचपन में, तो वो मेरा फेवरेट। आपका हजरा कौन था? मैंने पोपाई द सेलर मैन बहुत देखा। क्या खाता था वो? स्पिनच। देखा आपने? बर्गर। पालक। पालक नहीं बोला, स्पिनच। पालक। पालक खाता था। पालक खाता था। पालक। पालक खाता था वो। पालक। पालक से निकले पालक। पालक। ये ले। आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर? बहुत सारे थे। मैं जॉनी ब्रावो देखता होता था बहुत, और करते भी अच्छे उसके इंप्रेशन। पीजी कार्टून होता था। अब वो नहीं चल सकता कार्टून, है ना? अब वो जमाना बदल गया। तो कितना वो था मिसोजिनिस्ट था कार्टून, बहुत मतलब अब अगर हम लोग भी देखें वो कार्टून तो बहुत ऑफ लगता है कि ये क्या कर रहा है। सारे जॉनी ऐसे हैं मार्केट में, कोई एक जॉनी अच्छा नहीं है। जॉनी जॉनी यस पापा। आप बताएं मुझे जल्दी से जॉनी, थोड़ा सा हल्का सा जॉनी करते हैं, दो एक ग्राम जॉनी। Hey there, mama. Yeah. Wanna come with me and play a game of Twister? बहुत चलो। ताली होनी चाहिए। आप लोगों को किसी ने नहीं देखा। जब भी मैं ऐसा मुंह बनाता हूँ ना, मैं कोई बेवकूफी का सवाल पूछने वाला हूँ। अदबी सवाल होता है। अदबी सवाल होता है जो बिल्कुल गैर अदबी होता है। भाई ऐसे हैरान कुन बात है जुनेद, आप एक सिंगर हैं, माशाल्लाह नौकरी भी करते थे, हैंडसम तो हैं, अच्छा इस पे डिबेट नहीं हो सकती, ठीक है, हैंडसम भी थे, सिंगर भी थे, और लीड वोकलिस्ट मतलब जिस सबसे ज्यादा जिसपे मरा जाता है, और यार फिर भी आपकी अरेंज मैरिज हुई, और इतनी अरेंज मतलब पूरी अरेंज्ड, मुझसे भी ज्यादा अरेंज्ड, टोटली अरेंज्ड, बहुत टोटली इतनी अरेंज्ड। तो रिश्ता लेकर वो होता है ना प्रोसेस, मैं भी रिश्ते लेकर गया था। अब कोई हमारे कोई सोशल सर्कल ऐसा था नहीं, हम ऑल बॉयज से पढ़े, ऑल बॉयज कॉलेज गए, फिर इंजीनियरिंग करी, वहां कहीं बीच दूर दूर तक खवातीन नहीं है, दूर 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 थी बस, बहुत ही दूर थी। फिर जाहिर बात है यही बचता था कि यार उसकी लड़की देखी है शादी में, उनसे मिलने चलते, टोटल यही था। तो मेरी क्योंकि घुटने लंबे हैं, टांगे लंबी हैं, तो अक्सर सोफे पतले वो होते थे नरम, ठीक है, तो मैं जब भी सोफे में बैठता था घुटने यहाँ तक आते तो मेरा रिश्ता कबूल ही नहीं हुआ। अच्छा। फिर कहीं जाके अब जिनसे शादी हुई है मेरी बेगम से, उनके घर सख्त सोफा मिला, तब जाके रिश्ता पक्का। तो एंगल सही बात। अब आप बताइए कैसा था पहली बार रिश्ता देखने गए? ये लड़के जब जाए रिश्ता लेकर तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं कि बेटा ज्यादा मत खाना, दो गुलाब जामुन साथ ना भर लेना, टिप्स? लेकिन शादी के लिए ऑफ कोर्स एक प्रोफेशन होना जरूरी है, अच्छी डिग्री होना जरूरी है। डिग्री मैंने कंप्लीट की थी, इंजीनियरिंग की, एमबीए किया। उसके अलावा ऑफ कोर्स थोड़ा तमीजदार होना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नहीं गुटखा खाते हो जा रहे हैं अंकल, माय सेल्फ सरदार प्रिंस कितना बड़े रहना हाँ लड़की का इस तरह ये नहीं करना। और ये कि जो ससुराल वाले ये चाहते हैं कि आप सिक्योरिटी किस तरह शो करते हैं, यानी कि उनके उनकी औलाद को सिक्योर कैसे रखें। भले आप बड़ी नौकरी ना कर रहे हो, उनको नजर तो आए कि लड़का करियर ओरिएंटेड है या कुछ कर लेगा, इसके एंबिशंस हैं, ये आगे कुछ संभाल लेगा, आगे सिक्योर रखेगा हमारी औलाद को, हमारी बच्ची को सिक्योर रखेगा।